कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर खुशदिल शाह को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में खराब कारकर्दगी के बायस तुलख तजुर्बे का सामना रहा। खुशदिल शाह के आउट होने पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने उन्हें ड्रेसिंग रूम जाता देखकर पर्ची पर्ची के नारे लगाए। जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुशदिल शाह ग्राउंड में मदाहों के पर्ची पर्ची के नारे सुनकर ड्रेसिंग रूम में रो पड़े। मदाहों के इस रवैये पर बैटर इमामुल हक खिलाड़ियों की हमायत में सामने आए थे। ट्विटर पर ट्वीट के साथ स्टेडियम की वीडियो शेयर करते हुए शायकीन क्रिकेट से खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की थी। ओपनर इमामुल हक ने ट्वीट पर वाकई की वीडियो अपलोड करते हुए कहा कि मेरी क्रिकेट फैन से दरख्वास्त है कि वो खिलाड़ियों पर आवाज़ें ना कसें, आवाज़ें कसने से खिलाड़ियों की सेहत पर बुरे तरीके से असर पड़ता है। ताहम अब दावा किया गया है कि नारे सुनकर खुशदिल शाह बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे और वह ड्रेसिंग रूम में रो पड़े थे। वाजह रहे कि खुशदिल शाह ने सीरीज के 5 मैचेस में 21 की औसत से मजमूई तौर पर 63 रन बनाए थे। गुज़िश्ते इतवार को 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बआसानी 67 रन से शिकस्त देकर सीरीज 4-3 से अपने नाम कर ली थी। मुदाहों की जानिब से क्रिकेटर को इस कदर दुखी करने पर आपका क्या कहना है? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। शुक्रिया।